दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है लोरी कुमार। दोस्तों फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि बाबा सारनाथ धाम है। तो मैं यहां के आपको सारे स्थान मैं दिखाऊंगा और बाबा का दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ से बैक कैमरे से सारे मैं यहाँ के स्थान दिखाऊंगा और बाबा सारनाथ का दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी गेट से आप लोग को अंदर लेके चलूँगा, बाबा सारनाथ का दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मैं आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ है, कृपया जूता चप्पल पहनकर मंदिर प्रवेश ना करें। और देख लीजिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, और झंडा सब झंडे लगे हुए हैं और बत्ती वगैरह सब लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए सब कितना साफ सफाई है, कितना अच्छा है मंदिर है। दोस्तों मैं आप लोग को मैं अंदर की ओर लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों यही मंदिर का देखो ये सब स्थान है, मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ मंदिर के अंदर, और मैं वहाँ के बाबा सारनाथ का दर्शन कराऊंगा दोस्तों। तो बने रहना। देखिए नंदी भगवान है। और दोस्तों यहाँ भी एक नंदी है, और ये हवन कुंड है, और देख लीजिए दोस्तों घंटा सब लटका हुआ है। और यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है दोस्तों। मैं आप लोगों को देख लीजिए बाबा सारनाथ का ये मूर्ति, यहाँ सब पूजा पाठ करते हैं यहाँ का। दोस्तों मैं अब अंदर प्रवेश कर रहा हूँ ये बाबा सारनाथ के धाम में, मैं आ चुका हूँ। देखिए यही इनका मूर्ति है, और यहाँ पे देख लीजिए कितना घंटा सब लटका हुआ है, पंखा भी है सब। दोस्तों यहाँ पे ढोलक मजीरा सब रखा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मैं दर्शन करा दिया हूँ बाबा सारनाथ का। अब मैं आप लोगों को जो ये बाहर का व्यू है मैं आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ इस कैमरे के माध्यम से। तो दोस्तों देख लीजिए पीपल का पेड़ है, यहाँ पे भी पूजा होता है, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, वाक्य जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों ऐसा सब आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है। और देख लीजिए पुराना मंदिर है कितना दोस्तों, बहुत पुराना मंदिर है ये, देखिए पत्थर का बना हुआ है, कितना गढ़ा हुआ है, अच्छा डिजाइन दिए हैं इस मंदिर को दोस्तों। देख लीजिए पीछे का व्यू है, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप भी आइए और दर्शन कीजिए, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों जो महाकाल का भक्त है वो काल उसका कुछ नहीं कर पाएगा। ये नीम का पेड़ है, यहाँ पे भी चौतरा है, और यहाँ पे भी पूजा पाठ होता है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ के खूबसूरत स्थान। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ ये बाबा सारनाथ पड़ता कहाँ है, ये कछमा से 7 किलोमीटर दूर गोधना एक गांव में ये मंदिर है दोस्तों। बहुत प्यारा और बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों।
तो मैं आप लोग को एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मंदिर के नीचे कुछ लिखा हुआ है, आज तक अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आकर यहाँ पे पढ़कर बताएं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पे कोई पढ़ नहीं सका है। तो मैं इस मंदिर का मैं आपको बाबा सारनाथ का दर्शन करा दिया हूँ। मैं आप लोग को मैं यहाँ के बाहर का जो नज़ारा था, मैं स्थान था, आप लोग को मैं दिखा दिया चारों तरफ का। तो दोस्तों मैं यहाँ के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो महाराज जी, ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर बहुत पुराना है। जब 6 महीना रात रात भैया सूर्य भगवान के हनुमान जी लील ले रहे बालपन में, तो उसमें 6 महीना तक लील के बैठले रही गए, तो 6 महीना रात रात हो गया। उन्हीं प्रभाव में मंदिर असुरानी मंदिर बना है असुर के द्वारा। विराट पत्थर जौन की आदमी से उठ न पई हैं, और जब मंदिर बना है तब किरान भी नहीं रहे कि भयंकर मशीन भी नहीं रहे कि प्रभाव में कौन वजन मतलब रहे। तो महाराज जी यहाँ पे मेला कब लगता है और भीड़ कब लगती है? सावन में और शिवरात्रि पर महान मेला लगा लेन, और सावन में 5 सोमवार जय सोमवार पड़ा लेन, सब सोमवार के मेला लगा लेन विराट, और महाशिवरात्रि पर भयंकर विराट मेला लगा लेन। तो दोस्तों सावन में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और महाशिवरात्रि को भी यहाँ पे बहुत विराट मतलब कि मेला लगता है। यहाँ बाबा सारनाथ का दर्शन सब लोग करते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो महाराज जी ये कहाँ पे पड़ता है हमारे दोस्तों को बताइए? हाँ, ये जोनबागी सारनाथ धाम ग्राम लरवक में पड़ा लेन बाबा का, कछुआ मिर्जापुर। मिर्जापुर जिला में सारनाथ धाम है ग्राम लरवक के अंतर्गत में, और गोधना लरवक के अंतर्गत का बाड़े हैं बाबा विराजमान है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे भारत।